कैंसिल कर देते हो। धुआं निकल रही है, देखो आईफोन 13 चला रहे हो आप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज फाइन। तो इतनी बारिश में मैं जा रहा हूँ आज अपनी बाइक की सर्विस कराने, बिकॉज मैंने सर्विस ऑलरेडी बुक करा के रखी थी, तो उसके लिए टाइम पर पहुँचना था 2:30 पर, बट अभी टाइम हो चुका है 3 o'clock। मैं लेट हो चुका हूँ बारिश की वजह से, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बट फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा, बिकॉज इसकी ना चेन बहुत लूज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं चला भी नहीं पा रहा हूँ बाइक। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है ऐसा, जर्कनेस आ रहा है। तो अभी निकल गए हैं और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, देखो पानी पानी भरा है रोड पर, ये देखो पानी पानी भर जाता है जैसे बारिश होती है ना आमेर में। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सीमेंटेड रोड बन गया है, जिसकी वजह से गड्ढे होने के चांसेस अब नहीं है। पानी कितना भी भरे तो निकल जाएगा, बट गड्ढे नहीं होने चाहिए। वेदर इतना अच्छा हो जाता है, मतलब मैं जब भी जाता हूँ ना KTM लेकर के, बारिश तो आनी होती है। अभी क्या है, बारिश इतनी तेज तो नहीं है, बट रुकेंगे तो अभी ख़राब तो होना ही है, कीचड़ में तो होना ही है, क्योंकि पानी तो भरा हुआ मिलेगा इस सिटी में भी। चल रहा हूँ भाई साहब, और होप सो बाइक थोड़ी सी क्लीन हो गई होगी, जो मड लगी थी पूरी बाइक पर वो तो निकल गई होगी। जिस दिन बारिश आए ना, उस दिन आप निकलो सिटी के लिए, मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी प्यारी लगती है ना जयपुर सिटी, कम ट्रैफिक, पानी भरा हुआ, और जो बिल्डिंग का कलर है ना, इतना अच्छा लगने लगता है ना, निखर जाता है मतलब कलर वो। तो ये एक बेनिफिट होता है बारिश का। और कैमरा साफ हो जाए बस। और अभी फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम में, सांगानेरी गेट तक ये ट्रैफिक मिलने वाला है मुझे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक मिलेगा कहीं पर। अरे अंकल देखो तो सही, कहाँ चला रहे हो भाई? अभी मैं पहुंच गया हूँ रामबाग सर्कल, यहाँ से मुझे राइट लेते ही आ जाएगा अपना KTM का वर्कशॉप। और यहाँ पर किधर है सर्विस सेंटर, हुंडई सर्विस, KTM सर्विस इधर है। पुष्कर जी, हाँ मैंने सर्विस बुक करा रखी थी KTM से। आज तो पॉसिबल नहीं है। हाँ बंदा ही खाली नहीं है, एडवेंचर वाला, वो इंजन कर रहा है ऑलरेडी पहले नंबर वाला। तो आप पहले बता देते आप कैंसिल कर देते उस पर, सर्विस बुक करी है तो उसको। मेरे पास थोड़ी आता है ये चीज, फिर किसको बोलूँगा। अभी कॉल भी आया था मेरे पास आपके यहाँ से, आपने बुकिंग कैसे कराई थी वो एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन हमारे पास नहीं दिखा था ना। नहीं तो आपका, आपके यहाँ से कॉल भी तो आया ना मेरे पास कि कितनी देर में आ रहे हो। सुबह की थी ना सर वो, तो सुबह की नहीं 2:30 की थी सर। फिर कहाँ से करेगा बंदा, तो इंजन कर रहा है, कैसे कराऊंगा? तो इसका क्या करूँ फिर, ये कुछ मतलब की नहीं है बुक कराना मतलब सर्विस। सर कॉल करके पूछ लेते ना, एडवेंचर के लिए तो कम से कम कॉल करके पूछना ही पड़ता है सर, बाकी नॉर्मल गाड़ी तो मैं किससे भी करा दूं। तो फर्स्ट सर्विस है सर उसमें, तो उनको बोल देना चाहिए ना कि सर्विस बुक नहीं ले, कुछ नहीं करे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप बता दो, 5:30 बज जाएंगे। 5:30 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये तो बोलो कर दो 5:00-6:00-7:00 बजा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अभी सर्विस हो रही है अपनी बाइक की, 5:30 का डिलीवरी टाइम दिया है, मतलब 5:30 तक सर्विस हो जाएगी, और ऑयल वगैरह क्या क्या चेंज होगा उनके सर्विस, उनका जो वर्कशॉप है KTM का बहुत बिजी है अभी, मतलब लाइन से गाड़ी खड़ी है। तो अपनी तो ऑलरेडी मतलब सर्विस बुक करा रखी थी, तो इसका बेनिफिट मुझे मिला है, वरना अगर मैं ऐसे ही बिना कॉल या बिना किसी इंफॉर्मेशन के आता, मेरी बाइक की सर्विस नहीं होती। तो ये एक बेनिफिट मिल गया है। अभी 4:00, 1.5 से 2 घंटे बाकी है अभी सर्विस होने में, तब तक हो जाएगी। हम भी थोड़ा इधर उधर जो बाकी काम है निपटा लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं। भूख लग रही, देखो आईफोन 13 चला रहे हो आप, 4 भी 14 है। अरे कहां 12 है, 12 13 14 है, तुझे कैसे पता? भूख लग रही है, वीडियो आ रही है 40 रुपए का, ये जिगरी अभी 5:30 बज चुके हैं, और अपनी देखते हैं सर्विस हुई या नहीं हुई। इसका एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे इसके अंदर है ना फर्क क्यों आ रहा है ये फेयरिंग में, ये वाले देखो ये वाला इतना लूज सा क्यों हो रहा है, और वो कभी सभी में आता है या इसी में है ये प्रॉब्लम? किलोमीटर पर अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है, ऑयल इसके अंदर चेंज हो चुका है मॉड्यूल का,
10W50 इसके अंदर ऑयल डला है और कूलेंट भी फिलअप हो गया है। चेन जो लूज थी वो भी टाइट हो चुकी है, अभी देख सकते हो जो कंडीशन थी बाइक की, अभी चला करके पता चलेगा कि कैसा हो गया है, बाइक चलाने में कैसी थी और अभी चलाने में कितना फर्क आएगा। तो अभी सर्विस हो चुकी है अपनी, लो फ्यूल का इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है तो फ्यूल अप करा लेते हैं सबसे पहले। अभी हो चुकी है बाइक स्वैप, साहिल चला रहा है 390, अपन है एक्सिस पर। हो धुआं निकल रही है, चलो अबे वापस चल, वापस चल। और बाइक आ चुकी है अपने पास, साहिल को छोड़ दिया और अपन जा रहे अपने घर आमिर। क्या कर रहा है ये? अभी देखो सेकंड गियर में, अभी देखते हैं इसका क्विक शिफ्टर कितना अच्छा काम कर रहा है। सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स। पहले बाइक की चेन लूज हो रही थी ना तो क्विक शिफ्टर इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है क्विक शिफ्टर। दिस इज रियली नाइस। मतलब जब मैं लेकर आया था ना तब भी इसकी चेन लूज थी, तब मैंने भी ध्यान नहीं दिया और तब भी क्विक शिफ्टर थोड़ा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था जितना अभी काम कर रहा है। अभी तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देखो हल्का सा हल्का फुल्का जर्क आ रहा है। अभी 1000 किलोमीटर पे मैंने सर्विस कराई, तो सेकंड सर्विस इसकी होगी 8500 किलोमीटर पे और थर्ड सर्विस होगी इसकी 16000 किलोमीटर पे। KTM की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है, वो क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ घर पहुँच करके, और जितने भी KTM ओनर्स है उनके लिए बहुत काम की चीज है वो, तो वो जरूर देखे इस चीज को। यह है KTM इंडिया का ऐप जिसमें आप लॉग इन कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, देन उसके बाद KTM सर्विसेज में आपको जाना है। माई व्हीकल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी बाइक की पूरी डिटेल यहाँ पर आप मेंशन मतलब ऐड कर सकते हो, देन उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन, रजिस्ट्रेशन, RC एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप अपलोड करके सेव कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है माई सर्विस में। जैसे ही माई सर्विस में जाओगे आपको यहाँ पर आपको शो होगा अपनी 3 फ्री सर्विसेज। जैसे ही आप ऐप से सर्विस बुक करोगे ना तो आपको वहां पर जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपकी बाइक को कल देंगे या साथ के साथ वो सर्विस करके देंगे, बट आपको टाइम पर पहुंचना पड़ेगा वहां पर। जैसे मेरी अपॉइंटमेंट थी आज की 2:30, बट मैं समहाउ मतलब बारिश की वजह से लेट हो गया था तो इसकी वजह से मुझे आज 1 घंटा लेट पहुंचा मैं, बट फिर भी कोई इश्यू नहीं हुआ, 5:30 बजे तक उन्होंने मेरी बाइक सर्विस कर दी थी। मतलब सर्विस पे कैसे बुक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बुक के सर्विस पे जाओगे, ये थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, और आपको नियरेस्ट आपके सर्विस स्टेशन दिख जाएंगे जैसे KTM रामबाग पे जाते हैं अपन। यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद टाइम भी सिलेक्ट करना होगा आपको कितने बजे जाना है, कितने बजे आप वहाँ पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पर आपको बाइक का किलोमीटर राइट डाउन करना है, जैसे 2000 किलोमीटर मैंने यहाँ पर नोट किए। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो रिपेयर टाइप आएगा सबसे पहले कि आपकी फर्स्ट सर्विस है, सेकंड सर्विस है, थर्ड सर्विस है, पेड सर्विस है या रनिंग रिपेयर या जो भी कुछ है वो यहाँ पर आप जैसे रनिंग रिपेयर में करता हूँ। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दो, देन उसके बाद आपको क्या आपके क्या कंप्लेंट है, क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं आपको, या फिर आपका कुछ डैमेज हो गया पार्ट तो उसका फोटो अपलोड करके जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट वहां पर बुक हो जाएगी, मतलब सर्विस बुक हो जाएगी। देन उसके बाद आप वहां पर जैसे जाओगे आपको मतलब वहां पर टाइम नहीं लगाया जाएगा वहां पर सर्विस होने पर, ये बेस्ट बेनिफिट है इसका। जैसे यहां पर देख सकते हो आप टोटल अमाउंट यहां पर दिख रहा है 1831 रुपीज का मेरा आज का सर्विस का बिल आया। इंजन ऑयल डला है 10W40 मॉड्यूल का, ऑयल फिल्टर डला है, रिंग डली है जो ऑयल की होती है, और कूलेंट टॉपअप हुआ है थोड़ा बहुत। तो आज का वीडियो होगा यहीं पर खत्म और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं बहुत जल्द।